ये रहा मेरी ओर से छोटा सा गीत। आइए माताएं बहनें बैठी हैं, सभी भाई बैठे हैं। भैया जी, जैसा माहौल चल रहा है आपका बेटे, क्योंकि आज कार्यक्रम हमारा शिवरात्रि में है, बिल्कुल बेटे बिल्कुल, तो भगवान भोलेनाथ के गीत होने चाहिए। और क्या, जब कभी माता भवानी अवसर देंगी नवरात्रि में तो माता दुर्गा के गीत होंगे, लेकिन आइए गीत सुनेगा सुने। आइए सुने, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बोले, हे टन 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 ये झना हो जी हाँ गाया है क्या, हे खन खन खनात खानर बाजे रे आज, लेकिन तर्ज उतनी ही बताई जाए जितना उसका मर्ज हो, तब आनंद है। आइए गीत सुनिएगा, कटपीस में कुछ नहीं है। माता भवानी पार्वती की बारात आई तो देखिए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे देखने गए, बड़े बुजुर्ग देखने गए। माता भवानी की बारात साधारण नहीं है, भूत पेताल आए हैं साथ में, जो बड़े हैं बूढ़े हैं वो तो देखकर रह गए, लेकिन जो बच्चे हैं देखिए वो अपने इधर उधर गिरने लगे, बेहोश होने लगे, वो जो थोड़ी साहस वाले थे वो जाकर पहुंच गए, मैंने बैठो पहुंच गए, कहा क्या, अरे तुमने बारात देखी है,
बेटा बताओ बारात कैसी है। देखिए वो डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, ना खांप रहे हैं, डर रहे हैं। बेटा बताओ क्या देखा? क्या देखा? बोले ऐसी बारात देखी है कैसी देखी ही नहीं। और क्या, बड़े परेशान हैं, बच्चों को फुसलाया। बेटा बताओ, अच्छा रूप रंग बताओ दूल्हा कैसा था? और क्या, तो देखे दूल्हे को बताने लगे। देखिए वो बच्चे कैसे बता रहे हैं, कैसे बेटे? कहा गौरा का दूल्हा ऐसा था, सुनिए सुने, हे भना ना 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 भन भनात। ये क्या है? क्या है? कहा सुनो, सुनो, हे भना ना 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 भन भनात, हे सा ना 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 सनसनात। ये दूल्हे के साथ भन भना सनसना। हाँ अभी और सुनो, हे भाना ना 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 भन भनात। और हे घाना ना 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 घन घनात। कहा क्या? बेटे के हाथ सर पर हाथ फेरा, कहा बेटा बताओ ये भन भनात खनखनात क्या है? कहा सुनो, सुनो, गौरा का दूल्हा ऐसा है। कैसा? कहा क्या बेटे? हे फन न न न फन फनात जतन बीच करिया नाग। ऐसा है? ऐसा है। हे फन न न न फन फनात जतन बीच करिया नाग सन न न न सनसनात से सर उठा के। भवर मच्छ जिनके साथ घन ना 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 घन घनात घंटा लहरा के। और देखिए पहले क्या है? क्या बताए? तन पे मृग छाल राज माथे पे चंदा विराज। तन पे मृग छाल राज माथे पे चंदा विराज भूत प्रेत और जोगनी संग पाहन है टूड़ बैल आगे पीछे है चुड़ैल। साधारण नहीं है, पाहन है टूड़ बैल आगे पीछे है जुड़े उनकी भुजाओं में लिपटे भुजंग। और कहा माँ उनके संग कई उनके संग बिना मुंड किसी के सीसी नहीं है। उनके संग बिना मुंड भूतन के कई जुड़ ढोलक पे थाप मार थम थम। अरे ऐसी बारात है कि किसी के सीस ही नहीं किसके इतने हैं कि गिने नहीं होते। तो उनके संग बिना मुंड भूतन के कई जुड़ ढोलक पे थाप मार थम थम। तो गूंग गीत गुनगुना के गंजेड़ी चलम चढ़ा के एक साथ बोल रहे बम 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 बम। जब हम लोगों ने स्वागत किया उनको नाना प्रकार के पेय जल दिए तो कहने लगे क्या? एक साथ बोल रहे बम 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 और ला और ला हमको जी भर पिला। क्या बात है? वो छक नहीं रहे क्या? कि और ला हमको जी भर पिला हम भी जोगनी के संग थिरक थिरक नाचे। तो डमरू डम डम डमात ढोलक गम गम गमात भूतनी पे तालनी तुम नाच छम छमाते। क्या बात? और तो भूतनी पे तालनी तो नाच छम छमा के। बेटा और कुछ नहीं बज रहा था क्या भोलेनाथ के विवाह में? कहा बज रहा था माँ। देखिए उन्होंने साहस किया, क्या कहने लगे? क्या कि ताल बाजे ताल बाजे ताल बाजे भाई। ताल बाजे ताल बाजे ताल बाजे का ये तक तक 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 बाजे का। और ऐसी मिली ताल से ताल, क्या बात, क्या बात, ऐसी
बहुत सुपर हिट कट पीस। मैं सोच रहा शुरुआत कहां से मिडिल क्या होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन कट पीस के लिए मैं था। तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाती है या तो हेलो, आपकी साउंड सर्विस देख के मुझे याद आ रहा है संता बनता कहा देख तेरी बीबी को सांप काट रहा है। जैसे आपका कभी एक पैनल डिस्चार्ज हो जाता है, एक रिचार्ज हो जाता है, कहा देख तेरी बीबी को सांप काट रहा है, तो उसने कहा कि मेरी बीवी को सांप नहीं काट रहा है, चूंकि सांप का जहर खत्म हो गया था इसलिए मेरी बीवी के जहर से रिचार्ज कर रहा है। दोस्तों जानते हो, देखिए ताल वादे ताल के साथ साथ जिस तरह से 14 ओम महेश्वर सूत्र के भी उसमें बिंदु लिए गए हैं, साधारण गीत नहीं कहा जा सकता। ये जानते हो दोस्तों, आज मोबाइल दिवस है। दोस्तों हम जानते हैं आज क्या है, आज भारतीय मोबाइल दिवस है। आज के दिन अपने मोबाइल की पूजा की जाती है। पूजन विधि इस प्रकार है, अगर आप अपने मोबाइल की पूजा करना चाहते हैं तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दें, बैटरी और सिम को रिन से धोए निकाल के, अब बैटरी को गुनगुने पानी से धोए, गीले कपड़े से उसे सुखाएं, की पैड पर चंदन या सिंदूर डालकर चंदन रगड़े, बैटरी को दूध शहद चीनी से लेप करें, सिम को रिन से धोए, अब सभी वस्तुओं को मोबाइल में फिट कर और कहे कि इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। और सबरी का जो गीत था कितना अच्छा भाव, कुंभकर्ण का भाव कि हर कोई चाह रहा है, रावण का भाव कि वो जानता था कि दुनिया में आए कुछ कार करेंगे, स्वर्ग की सीढ़ी तैयार करेंगे। रावण दशानन चाहता था कि स्वर्ग की सीढ़ी लगाए, और जो सबरी का प्रेम भाव था छिलकों के इंतजार में फूलों की आस थी, वर्षों से गुठलियों को दर्शन की आस थी, ये पूछना है तो पूछो उस सबरी सिरफिरी से कि भेरों में उसके कितनी मिठास थी, उसके भाव थे मतंग इसके आश्रम में। तो आह्वान कर रहे हैं सचदेवा जी को ताल बाजे, अभी कोरोना में ताली बजाओ थाली बजाओ। प्रधानमंत्री जी का नारा याद आ गया, वो कहते थे ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाएं, थाली भी बजाने लगे। और देखिए आज उत्तर प्रदेश में रेयर केस है, आज सब लोग मस्त हैं। तो आइए इधर क्या बज रहा है, चूंकि ताल से ताल मिला तो आइए ताल का जवाब कहां से आता है। बहुत सुंदर सा जवाब लेकर सचदेवा के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है दो युवा कलाकारों के बीच में। पहली बार है, देखिए एक और विशेषता बताएं कि इस प्रांगण में आदरणीय राकेश वर्मा भैया, आदरणीय श्री संतोष गुप्ता जी, सैनी जी, मिश्रा जी, संजय भैया, आप सभी लोग पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम इस प्रांगण में हो रहा है। और ये देख रहे जो रोड भी टाइलीकरण हुआ है पहली बार, और पहली बार नीलम विश्वकर्मा भी आए पहली बार, और पहली बार सचदेवा भी आए हैं पहली बार, बुंदेलखंड उत्थान समिति के अध्यक्ष तिवारी जी भी पहली बार आए हैं, शायद ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के हमारी मूर्तियां भी पहली बार आई हैं, और पहली बार मैं भी इस मंच पे आया। पहले मैं हांडा साइन से आता था, इस बार सुपर स्प्लेंडर से आया पहली बार। राजू शुक्ला जी और हमारे पांडे जी और उनकी टीम ने वैसे तो मुझे कई बार बुलवाया, लेकिन दोस्त 3 साल के गैप होने के बाद मैं फिर इस प्रांगण में आया पहली बार। और केएस म्यूजिक ग्रुप के हमारे संजय भी भैया आए हैं अपना स्टूडियो लेके पहली बार, तो पहली बार बहुत बढ़िया। और पहली बार अभी मैं पूछ रहा था आर यू मैरिड, आर यू नो, किसी भी मंच पर जब तक यहाँ पर जवाबी कीर्तन प्रोग्राम जब से हुआ है दो युवा नवोदित कलाकार और दोनों अविवाहित आए हैं पहली बार, सही है।
और मैं तिवारी जी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अविवाहित मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोनों कलाकार आज से अध्ययनशील हैं। आज से अगर ये लाइनें जमेगी तो आप केएस म्यूजिक के चैनल प्रोपराइटर नोट कर लीजिए, मैंने इन दोनों कलाकारों को अनमैरिड नहीं कहा है, अविवाहित कहा है कि दोनों कलाकार आज से अध्ययनशील है, वाक से वाकपट है, ही से हितैषी है, ता से तत्पर और तल्लीन है, इसीलिए दोनों कलाकार श्रेष्ठ कलाकार हैं, इसलिए मैंने अविवाहित की श्रेणी दिया है। आज से अध्ययनशील है, वाक से वाकपट है, ही से हितैषी है, ता से तत्पर है, तभी तो अच्छे कलाकार दोनों मेरे अविवाहित है। डिफिनिशन किया तो इससे सिद्ध हुआ दोनों कलाकार बहुत श्रेष्ठ हैं। इसका परिवार 200 रुपए हमारे ऑल इंडिया कीर्तन परिवार के संजय भैया ने प्रदान किया है। एक बार जयकारा लगा ले, बोलिए जागेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, माइक जल्दी चालू कर दिया करो हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पब्लिक ना भागे तो ऐसे ही गीत गाओ। सही है, ये कलाकारों की टिक होनी चाहिए। अगर जल्दी कार्यक्रम बंद करना है तो ऐसे ही गीत गाओ। बेटा को अंगूठा उतार दो और घर जाओ। अब सही, अब खुल के गाओ। क्या हो गया आपको, हम ही से क्या गुस्सा हो? चाटी टाइ टाइ बोल रहे लप लप ओ खाना ना ना खाना ना ना खाना ना ना खाना खाना खन खाना। हमने धुन तो सुनी नहीं है। सही है, हम लोग YouTube पे सुनते भी नहीं है पर गा रहे हैं, सिर्फ गीत गा रहे हैं। तज हम लिख ही नहीं पाए, क्योंकि अगर इतनी जल्दी लिख लेते तो हम अच्छे टाइपिस्ट होते, वकील साहब के बगल में बैठे होते, वकील साहब बोल रहे होते, हम टाइप कर रहे होते। ये बात अच्छी ठीक है फंसाने की, पर मैं आपको ऐसा गीत नहीं दूंगा परेशानी हो। आराम से गाओ, सचदेवा शरारती गाएगा। आपने भगवान शंकर जी को लिया है, हालांकि तर्ज तो हो जाएगी मिस्टेक, पर बहन जी मज सुनिएगा। ओ खाना ना ना खाना ना ना खाना ना 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 खन खाना। अभी जब गीत को खोलेंगे तब पता चलेगा। अरे ला 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 लप लपा। अरे का 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 कप कपा। अरे ला 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 लहा। क्या रहा है माता काली, ये बात। जब माता काली क्रोधित में जब असुरों को मार रही है तो कहना है क्या? समझते रहिए भैया। खाना ना ना खाना ना ना खाना ना 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 खन खनात तुकर में माँ के देखो है चूड़ी ला। जब माँ चल रही है तो खनखना रही कैसे लगा के। हाथ लेके रुंड मुंड कर में लेके मुंड मुंड। अरे हाथ लेके रुंड रुंड कर में लेके मुंड मुंड रक्त पिए गट गट रक्तन भरे देखो कुंड कुंड। और रक्तन के कुंड भरे कैसे है तुरंत का लिखा है। शीश काटे शीश काटे मां टुकड़ों में बांटे रक्तन भरे है कुंड। रक्त पिए कट कट रक्तन के कुंड को
से ही गा रहा हूँ बहन जी। और क्या, और ये चैलेंज दे रहा हूँ, ये चैलेंज दे रहा हूँ, अगर कीर्तन क्षेत्र में आपने किसी कलाकार से गा दिया होता तो इतनी लाइन भी वो ना गा पाता। और क्या, पहले वो यूट्यूब खोलता। कैसे हल्का फुल्का जवाब है, अगर सिरोधार हो तो रख लीजिएगा, दोबारा गाइएगा तो हम तैयारी करके आएंगे। हमारे इसी जवाब पे हमारे दादा श्री राजीव मिश्रा जी आप तो से 201 रुपए आए हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि तर्द कैसी है। पर हम नाराज नहीं बहन जी, आराम से शौक से गाओ। और क्या, बढ़िया मस्त होके खुल के, बस पब्लिक ना भागे। हमारे परम सदे दादा श्री संतोष गुप्ता जी आप तरफ से भी 201 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आया बहन जी तरफ से। बिल्कुल पहले बहन जी थोड़ा सा तर्क करना चाहूंगा। बड़े कमाल की है नाभि जी का जंजाल भी है नाभि, लाइन कह रही थी बड़ी बहन, क्योंकि मैंने दो चक्कर में आपको टोका नहीं राकेश भैया, मैंने टोका नहीं क्योंकि कार्यक्रम अच्छा चल ही रहा था। हाँ, और चलेगा चलेगा, जब जब कार्यक्रम होगा अच्छा ही चलेगा। और क्या, दुनिया जले तो जले। पर विशेषता ये है, मेरी लाइन कह रही थी क्या बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण बनी है नाभि, दसकंदर की मौत अकारण कारण बनी है नाभि, कंस ने काले कमल बनाए धारण बनी है नाभि, कस्तूरी मृग नाभि छुपाए मारण बनी है। बहन जी आपने कहा सचदेव भैया आपका चारों युग का गीत है, राजू भैया इसी बात पर ले फिर। पहले आपने सतयुग लिया, सतयुग लिया के कामदेव को भस्म कर दिया कारण बनी है आखी। पहली बात तो ये सतयुग का प्रसंग ही नहीं है, ये बात ये सतयुग का प्रसंग ही नहीं, बहुत ज्ञानी लड़का है, ये प्रसंग है त्रेता का, ये बात। नटखट भैया शायद हो जाता है कभी कभी, ये प्रसंग है त्रेता का। सही है। दूसरी बात, काल नेम को भस्म कर दिया ऋषि मुचकुंद की आखी। अच्छा, ऋषि मुचकुंद की ऐसे भस्म कर रहे थे, एक आखी बंद कर। अरे ये कैसे कर दिया ऐसे, बहन जी आखी नहीं आंखें, ये आखी एक आंखें दो, दो आंखें, सही है। आंखों से मुचकुंद ऋषि को, मुचकुंद ऋषि ने आंखों से, या तो आंखों कहो या आंखें, तब आएगा लाइन। फिर आपने कहा सूरदास ने फोड़ दिए हैं दर्शन के लिए आंखी, आंखी नहीं आंखें, दोनों आंखें, ये प्रेम था उनको, ये सब ऑनलाइन पढ़ाई का मजा है, आंखी नहीं आंखें। बहन जी फिर चारों युगों में है आंखी,
जन्म मरण बनिया की। चलो सही है, बढ़िया बढ़िया जवाब आपका आया है। सुरधार है पर आंखी नहीं, आंखें लेकिन एक मूवी आई थी आंखें। हाँ